Anukriti Govind Sharma, and welcome to my YouTube channel. I'm so excited you are here. I have loads, well, not loads, but continuously growing number of yoga and fitness videos to help you de-stress. Yes, it's for you. All that I have ever done in my life is yoga, since the time I was 25. There's no joking about it, guys. I'm serious. You can practically find me doing yoga anytime and at any place. For example, right now. Okay, fine, I'm kidding, but you can actually find me doing yoga at any time of the day. If I see a place where yoga would be useful and if somebody invites me to help them with it, then of course I'll say yes and help them. That's all that there is to it. It's very simple and I like to keep things simple. I like a simple life. Yoga has always helped me to live a simple life, and I believe that yoga can help each one of you out there live a simple life as well. Hello and welcome to Modern Yogis once again at Misfit Mojo. And as you can see, I have a very charming personality, a very smiling and a vibrant personality with me on this episode, Rashmi Dani ji. And I'm going to have a quick chat with her about her experiences with yoga and her experiences with various breathing techniques that are commonly associated with yoga and how has her journey with yoga been so far. So let's get started. मैं रश्मि दानी, आई एम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर एंड बिफोर ज्वाइनिंग AOL आई वॉज टीचिंग इन जयपुरिया स्कूल. आई एम अ क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट और मुझे इसे रिलीफ चाहिए था, तो मैंने टीवी पे देख के या किसी योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाकर थोड़े दिन करा तो मुझे कुछ रिलीफ मिला, बट आई डिडंट कंटिन्यू इट. और जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन किया, सुदर्शन क्रिया किया, देन आई गॉट मच रिलीफ. आई यूज टू कीप अ ह्यूज ऑक्सीजन सिलेंडर एट माई होम एंड देयर इज नेबुलाइजर, बट आफ्टर डूइंग सुदर्शन क्रिया आई एम फिट एंड फाइन नाउ. सुदर्शन क्रिया इज अ रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न थ्रू विच यू कैन कंट्रोल योर माइंड. इट्स लाइक जैसे हम लोग किसी गिटार की ट्यूनिंग करते हैं, हमारी ट्यूनिंग होती है, तो हमारे एक एक सेल के स्ट्रेस को खींच के ये बाहर निकालता है और हार्मोनाइज करता है. जैसे प्रकृति में होता है ना, दिन हो रहा है, रात है, शाम है, यदि तो परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही हमारे एक तो बायोलॉजिकल हमें दिखता है, समय से भूख लग रही है, समय से नींद आ रही है, इसी तरह हमारे विचारों में, भावनाओं में, हमारे सांसों में, हमारे अस्तित्व में भी एक लय होती है. तो सुदर्शन क्रिया क्या करता है, उसको हार्मोनाइज करता है, सारे एक एक सेल से स्ट्रेस को खींच के निकाल के और हमें ब्लिस में, आनंद में भर देता है. इसको ज्वाइन करने के पहले मैं अपना देखती थी कि मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और एंग्जाइटी है और हेजिटेशन है, या कोई किसी बात पे बड़ी जल्दी हर्ट हो जाना, रिएक्ट भी बहुत करते थे और अपने गुस्से को जस्टिफाई भी करते थे कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. लेकिन अब इसको करने के बाद इस मन में आ गया कि रिमोट अपने हाथ में रखना है, बटन को दबने नहीं देना है. तो पता लग जाता कि अगर हम पहले जिन बातों पर कूदने लगते थे, अब कूदना नहीं है, अपने रिमोट को अपने हाथ में रखना है. काफ़ी फर्क आया, ड्रेस्टिक चेंज कहना चाहिए, यू टर्न हैज कम इन माई लाइफ. नाउ आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर डूइंग योगा, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान. आई एम नॉट द पर्सन एज आई वॉज. देखिए,
छोटे बच्चों को देखो, वे रोना है तो रो लेंगे, हंसना है तो खुल के खूब हंसेंगे, उनके शरीर से एक एक कण से हंसना या रोना फूटता है। बड़े हैं तो, और खासकर जेंट्स में कहा जाता है मर्द रोते नहीं है, तो वो जब इमोशन एक्युमुलेट होते रहते हैं वही बीमारी का कारण बनते हैं। और मैंने अपने केस में भी देखा कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, एंजाइटी थी, और इस पे अपने लिए समय देकर अपने पे काम करके डिप्रेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक घंटे केवल अपने बारे में सोचता रहे मैं मेरा क्या होगा, तो अच्छा खासा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। उसका एंटीडोट है सेवा करो बस। तो नेगेटिविटी तो ये प्राणा इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स सटल लाइफ फोर्स एनर्जी। जब भी हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है देन वी आर हैप्पी, और वही एनर्जी लेवल जब डाउन होता है तो हम दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। तो जब सातों चक्रों पे ध्यान लगाते हैं मूलाधार से सहस्रार तक, तो हमारी हाई एनर्जी अपलिफ्ट होती है और हम खुश रहते हैं। और कहते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपका मन खुश है तो आप हर सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकते हो, हर व्यक्ति को उसको फेस कर सकते हो, वट एवर द सिचुएशंस एंड पर्सन्स आर। 99% प्रॉब्लम्स आर साइकोसिमेट्रिक ओनली। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो ये नेगेटिविटी है, कि हमें लगता है बहुत हमारा पॉजिटिव आउटलुक है और वो कितना हमें डैमेज कर रहा है, कि सारे कहना चाहिए 99% प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेट्रिक ओनली। ये जितनी कहना चाहिए प्रॉब्लम्स है ये सब माइंड से ही रिलेटेड है। मन क्या है कि बस फ्यूचर में या पास्ट में डोलता रहता है। सांस हमारी कहना चाहिए लिंक है बॉडी और इमोशंस के बीच में। तो जैसे पतंग होती है उसकी डोर है, डोर से हम पतंग को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह माइंड को हम सांसों से कंट्रोल करते हैं। नेगेटिविटी से जो हमें जितना नुकसान पहुंच रहा है तब हम अवेयर हो जाते हैं, हमें दूसरों में दिखाई भी देती है कि इनमें इन लोगों में काफ़ी नेगेटिविटी है, ये अवेयरनेस भी आती है। विद माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये इसको बताया नहीं जा सकता कि कितने इसके क्या फायदे नहीं हैं। अगर कोई कहे कि इससे क्या लाभ होगा तो मैं तो जवाब दूंगी क्या नहीं होता है। एवरीथिंग हैपेंस, जैसे कि मैंने बताया मैं टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ, ड्रेस्टिक चेंज हैज कम इन माय लाइफ एंड कंप्लीट यू टर्न आई कैन से। मैं इतना क्रॉनिक, आई वॉज अ क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट, माइग्रेन की वजह से इतना सफ़र करती थी, मुझे लोग ले जाते थे, ऑक्सीजन लगाई जाती थी घर में, कि आई यूज़ टू कीप अ ह्यूज ऑक्सीजन सिलेंडर एट होम, नेबुलाइजर भी लगाना पड़ता था दिन में तीन चार बार, स्कूल में भी रखती थी अपने पास नेबुलाइजर कि कब ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैंने देखा कि ये सब करने से योगा प्राणायाम ध्यान सुदर्शन क्रिया कितना आराम मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो हर तरह से यू फील वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली फिजिकली मेंटली हर तरह से। और मुझ में बहुत कहना चाहिए कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लग रहा था कि जैसे सुदर्शन क्रिया तो करने के बाद कोई मृत शरीर में प्राण फूंक देता है वैसे ही हुआ। ऐसे तो आप तबीयत खराब होती है आपने टैबलेट निगल लिया, लेकिन इसमें क्या, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। जहाँ आपने अपने को टाइम दिया उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते, दिखने लगता है कि आप कितना रिलीफ पा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी एंड टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, एस्पेशली इन द मैनेजमेंट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, बिकॉज एज ऑल ऑफ अस नो टुडे इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एंड आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड द हेक्टिक स्केड्यूल्स दैट कम अलॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स टुडे, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ physical or mental or emotional health, all of us are facing a lot of stress, tanav jisko bolte hain, we're facing a lot of stressful conditions in our life every day, because of which a lot of psychosomatic diseases are coming into existence, something which our forefathers or our parents never even heard of. There are new diseases being discovered by the scientists every day,
thanks to our emotional conditions and our inability to handle our negative emotions and our stresses. Certain people have a nature through which they are never able to express their emotions in front of other people because they feel it might lead to a turmoil or some kind of a situation where a fight might arise, or they feel that they might hurt the other person in front of them. So there's this fear of hurting and there's this pressure of pleasing people. People are becoming more of a people's pleaser these days. They want to please people around them, because of which they are suppressing their negative emotions and their need to express, if there is a need to express. And this is leading to a lot of physical diseases. There are physical manifestations including asthma, as you spoke about. Rashmi ji has been a sufferer of asthma for a long time until she stumbled upon yoga and Sudarshan Kriya from the Art of Living course. So thank you so much for throwing this light upon such an important subject and something which I believe that youngsters of today especially need to be aware of, because we never heard of such diseases when we were kids and we used to spend time with our grandparents and our parents. These diseases never existed, right? But today we see a lot of youngsters going through new diseases. So thank you so much for spreading light on that, and thank you so much for spending time with me. Thank you so much. Thank you. So stay fit this 2017 with yoga, with Sudarshan Kriya, with pranayam and all these breathing exercises. Stay fit in the body and the mind. Misfit Mojo.